दादी मुझे भी थेपले खाने हैं। लो तैयार हो गए हैं, अब तुम चटनी के साथ एंजॉय करो, खा के देखो कैसा बना है। दानी ये तो बहुत अच्छा बना है। नमस्ते दोस्तों, मैं श्वेता पोरवाल। आज मेरी मम्मी आप लोगों के लिए गुजरात के बहुत ही फेमस मेथी थेपला बनाने जा रही हैं, जिसका खाने में जो टेस्ट है वो बहुत ही लाजवाब है और ये सॉफ्ट सॉफ्ट होते हैं। आप लोग जब भी सफ़र करते हैं तो आप लोग मेथी थेपला बना करके चाय और अचार के साथ इंजॉय कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे हमारे आने वाले फूड वीडियोज का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहेगा। मम्मी आज हम लोगों के लिए ब्रेकफास्ट में आप क्या बनाने जा रही हैं? मैं आज आप लोगों के लिए मेथी के थेपले बनाऊंगी। कल मैं मेथी लाई थी बाजार से, तो ये गुजरात में बहुत ही प्रसिद्ध है, सफर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मुलायम रहते हैं बिल्कुल। तो मैंने इसके लिए 6 लोगों के लिए आधा किलो के आसपास आटा लिया है। इसमें मैं 2 चम्मच बेसन डालूंगी। इसमें मैं 2 चम्मच दही डालूंगी। दो चम्मच रिफाइंड ऑयल डालूंगी, इससे बड़े मुलायम और नरम रहते हैं। आधा चम्मच हल्दी पाउडर, नमक स्वाद अनुसार, आधा चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच मिर्च पाउडर, आधा चम्मच सूखी पीसी धनिया, 1 चम्मच कद्दूकस किया हुआ गुड़, इससे स्वाद बहुत अच्छा आता है, बच्चों को भी मेथी का कड़वापन बिल्कुल नहीं लगता है। और इसमें मैंने 200 ग्राम के आसपास मेथी ली है, वो मैंने काट के धो के तैयार कर ली है और मैं इसे इस आटे में डालती हूँ। अब मैं इसे अच्छी तरह मिक्स करती हूँ। मेथी में पानी छूटता है नमक डालने के बाद, इसलिए अभी पानी नहीं डालूंगी। अच्छी तरह मिक्स होने के बाद ही थोड़ा थोड़ा गर्म पानी डाल के मैं आटे की डो की तरह गूंद लूंगी। ये सबको बहुत पसंद आते हैं और सफर में तो बहुत ही मजा देती है। चाहे अचार के साथ खाओ, या चटनी के साथ, या आलू की सब्जी के साथ, किसी के साथ भी खा सकते हैं। सफर में तो केवल चाय और अचार ही काफी है इसके लिए। अब मैंने ये अच्छी तरह मिक्स कर लिया है। अब मैं इसे थोड़ा गर्म पानी डाल के अच्छी तरह गूंदूंगी। अगर आप सफर के लिए बना रहे हैं तो आप इसमें दही और बेसन ना डालें, क्यों बेसन थोड़ा सख्त हो जाता है, उससे नरम नहीं रहते। उसकी जगह पे आप थोड़ा ऑयल बढ़ा सकते हैं, 2 की जगह 4 चम्मच डाल लें, तो 4-5 दिन तक एकदम नरम से निकलते रहेंगे। आप छोटी छोटी पैकिंग बना लें, जितना आपको एक बार में खाना है।
थोड़ा थोड़ा पानी डाल के आटा को कड़ाही पूरी तरह गूंदूंगी, लेकिन मेथी होने के कारण 10 मिनट रेस्ट के लिए रखती हूँ, तब ये थोड़ा थोड़ा सही आ जाएगा अपनी जगह पे। अब मैंने आटा अच्छी तरह से गूंद लिया है, हाथ में थोड़ा रिफाइंड लगाते हुए इसको चिकना कर दिया। अब मैं 10 मिनट के लिए इसे ढककर रेस्ट करने के लिए रख देती हूँ, उसके बाद सेकना शुरू करूंगी। अब मेरा आटा सेट हो चुका है, अब मैं इससे थेपले सेकना शुरू करती हूँ। ये ना ज्यादा मोटे बेले जाते हैं ना ज्यादा पतले, बीच के साइज के रखे जाते हैं। मैं अभी बेल के आपको दिखाती हूँ। देख लो मैंने बेल के तैयार कर लिया है, ना ज्यादा मोटा है ना पतला है, बिल्कुल ठीक है। अब मैं इसे सेकने के लिए तवे पे डालती हूँ। इसी तरह मैं सारे थेपले बेल के तैयार करती हूँ। देखो बिल्कुल तैयार हो गया है। इसी तरह आपको भी बेलना है। अब मैंने थेपला सेकना शुरू कर दिया है। देखो अब ये दूसरी तरफ भी ड्राई हो चुका है। अब मैं इसमें ऑयल लगाती हूँ। इसमें ज्यादा ऑयल नहीं लगता है, बहुत कम ही लगाया जाता है। ये पौष्टिकता से भरपूर होते हैं। जो बच्चे मेथी नहीं खाते हो वो ही खाना सीख जाते हैं, और सर्दियों में ये ज्यादा बनाए जाते हैं। ये मीडियम आंच पर ही सेके जाते हैं, ज्यादा तेज आंच नहीं होनी चाहिए।
देखो कितना अच्छा सिक्के तैयार हुआ है। ये बहुत ही सॉफ्ट है, इसे ज्यादा कड़क नहीं सेकते हैं। और थोड़े ठंडे होने के बाद ये और भी अच्छे लगते हैं। गरम गरम तो अच्छे लगते ही है, ठंडे भी बहुत अच्छे लगते हैं। इनको गरम करके खाने की जरूरत नहीं है, ठंडे ही खाए जाते हैं। चटनी के साथ, दही के साथ, रायते के साथ, अचार के साथ, चाय के साथ, किसी के साथ भी आप खा सकते हैं। खाने में बड़ा टेस्टी होते हैं। इस तरह मैं अपने सारे थेपले सेक के तैयार करती हूँ। देख लो कितना अच्छा और नरम सिका है। एक के बाद दूसरा जरूर मांगेंगे हर कोई, इतना टेस्टी होता है, इससे जी नहीं भरता। इस तरह मेरे सारे थेपले बनके तैयार हुए हैं। मैं आप सभी को चाय के साथ, अचार के साथ, दही के साथ सर्व करती हूँ। आप सब लोग भी इन्हें अपने घर में जरूर बनाएं और एंजॉय करें। इस प्रकार हमारे मेथी थेपला बनकर के तैयार है। आप लोग इस रेसिपी को अपने अपने घरों में जरूर ट्राई कीजिए। यकीन माने आप लोगों को ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। आज तो मैं चटनी, अचार और दही और चाय के साथ एंजॉय करने जा रही हूँ। उम्मीद है आप लोगों को हमारी ये रेसिपी पसंद आई होगी। यदि हमारी रेसिपी पसंद आई है तो हमारे चैनल श्वेता पूर्वाल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। हैप्पी कुकिंग।